हेलो आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो जो आज के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि आज का वीडियो किसके रिलेटेड है। तो इस वीडियो के रिलेटेड जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है वो इस बारे में क्या बोल रहे हैं, तो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आज के इस वीडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिखने को मिल जाएगी। एंड आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर साथ में प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड आज का वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को प्ले करेंगे। बिल्कुल, कुरान कहता है मेरे मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, ये कुरान में लिखा। अरे ये सुनिए अमीना जी, एक मौलवी ने मुझे बोल दिया, बोले अल्लाह की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैंने पूरा पेड़ हिलवा दिया मेरे बॉडीगार्ड से बोल के। मौलवी पसीने पसीने हो गया। मैंने कि तू रो किसे, और बोले ये क्या कर दिया। मैंने कि अल्लाह की इच्छा के बिना देख पत्ता नहीं, पेड़ हिला दिया और बहुत सारे पत्ते गिरा भी दिए। और अगर तू मौलवी ज्यादा बोलेगा तो तेरे दांत भी अल्लाह की इच्छा के बिना ही तोड़ देंगे। I'm glad सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात यह आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं। काफी देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यह कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का के फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब, अगर मैं तो बनिया हूँ सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल, ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर। शॉर्ट है, शॉर्ट है, नहीं तो लोग मुझे कहेंगे का मैं ना इंसाफी। नहीं नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे हो, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो 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 भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले है ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते। तीनों जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में, आप पीस टीवी देख रहे हैं वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो तीन सवाल आते, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा, डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता, डायरेक्ट क्यों ना दोजख में डालता। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुबहाना व ताला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है दोजख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोजख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो, अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोजख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं कहेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसीलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर दो,
अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोजख में जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।